मैम, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ आभा, पूछ सकती हो। कल मेरी एक दोस्त ने सिंगिंग कंपटीशन में प्राइज जीता। उसमें क्वेश्चन आंसर राउंड था, जिसमें जजेस थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे। मैम, क्या वीणा में भी थियोरी होती है? हाँ, हर एक आर्ट फॉर्म में थियोरी होती है। पहले सिर्फ क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देते थे। इसका कारण ये था कि नॉलेज जमा करना मुश्किल था, कोई माध्यम नहीं था, किताबें भी बहुत कम मिलती थी। लेकिन आज के ज़माने में इंटरनेट के माध्यम से नॉलेज जमा करना, रिसर्च करना सब बहुत आसान हो गया है। मैम, आप हमें थियरी कब से सिखाएंगी? हमारे नेक्स्ट सेशन से मैं ज़रूर इसकी शुरुआत करूँगी। मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है, इसीलिए मैं एक अच्छे गुरु की खोज करूँगी जो आपको थियरी में अच्छे से गाइड कर सके। एक अच्छी गुरु मिलने के बाद मैं खुद आपको उनके पास लेकर जाऊंगी और खुद भी अलग से उनके पास थियरी सीखूंगी। मेरी दोस्त जिसने प्राइज जीता, वो कह रही थी वो आकार यूट्यूब चैनल को रेगुलरली फॉलो करती है, उसी के वजह से उसका थियोरी नॉलेज अच्छा है और सभी आर्ट फॉर्म की जानकारी भी है। आकार, अरे वाह, नाम भी कितना सुंदर है। नॉलेज पाने के लिए मैं ज़रूर अपनी तरफ से इस चैनल को फॉलो करूंगी और मेरे विचार आपके साथ शेयर करूंगी।